दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचे तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड पर धमाकेदार जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों की नजरें अफगानिस्तान बनाम न्यूजीलैंड के मुकाबले पर टिकी हुई हैं और आपको बता दें कि यह मुकाबला अब वर्ल्ड कप में भारत का भविष्य तय करेगा। दोस्तों भारत को टॉप फोर में पहुंचाएगा या नहीं ये पता चलेगा हमें इस मुकाबले से और अफगानिस्तान ही तय करेगा। अगर राशिद और नबी की टीम ने केन विलियमसन के न्यूजीलैंड को हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया तो भारत सेमीफाइनल में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले में पहले ही कीवी कप्तान केन विलियमसन ने एक बड़ा बयान देकर सभी की बोलती बंद कर दी है और उनकी बातों को सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों केन विलियमसन ने मैच से पहले क्या कहा ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि इस बार T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कौन सी दो टीमों के बीच में होगा, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम का सफर T20 वर्ल्ड कप में उतार चढ़ाव से भरा रहा है और जहां टीम इंडिया पहले दो मैचों में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमों से हारकर टूर्नामेंट से लगभग बाहर मानी जा रही थी, पर उसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने सिर्फ दो दिनों के अंदर ही अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड के खिलाफ ऐसी धमाकेदार प्रदर्शन करके दिखाया जिसके बाद अचानक से लोगों ने सेमीफाइनल में भी भारत के पहुंचने की बातें शुरू कर दी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बड़े मुकाबले में हारने के बाद भारतीय टीम का नेट रन रेट इतना खराब हो गया था कि वापसी बिल्कुल मुश्किल लग रही थी, लेकिन विराट की सेना ने पहले अफगानिस्तान को 66 रनों से करारी शिकस्त दी और फिर दो दिन बाद ही स्कॉटलैंड को पहले 85 रन के मामूली से स्कोर पर रोका और फिर 86 रन सिर्फ 39 गेंदों में ही बना डाले और मुकाबले को 81 गेंद रहते ही 8 विकेट से समाप्त कर दिया। इसके बाद भारतीय टीम का नेट रन रेट अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड से भी बेहतर हो गया। अब बस भारत को अफगानिस्तान से एक जीत की उम्मीद करनी होगी और दोस्तों 7 नवंबर को अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड की टीमें अबू धाबी में मुकाबला खेलेंगी तब करोड़ों भारतीय प्रेमियों की दुआएं अफगान खिलाड़ियों के साथ रहेंगी। पर दोस्तों मैच से पहले न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन का बयान आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दरअसल दोस्तों केन विलियमसन ने अफगानिस्तान के खिलाफ उतरने से पहले साफ तौर पर कह दिया है कि वो इस मैच का महत्व समझते हैं और अफगानिस्तान को कमतर रखने की बिल्कुल भूल नहीं करेंगे। केन विलियमसन ने कहा कि उनकी टीम किसी भी तरह का दबाव अपने ऊपर नहीं लेगी और इससे एक मुकाबले की तरह ही देखेगी। वो अपना बेस्ट गेम खेलकर मुकाबला जीतेंगे और कहीं से भी किसी भी तरह का अगर मगर या इधर से उधर उम्मीद लगाए बिना सीधे टॉप फोर में क्वालिफाई करने को देख रही है। वहीं केन विलियमसन ने यहां तक कहा कि वो जानते हैं कि इस मैच को करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रशंसक काफी उम्मीद के साथ देखेंगे, पर मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि ये क्रिकेट का खेल है और यहां बेहतर टीम ही जीत हासिल करती है, तो उम्मीद लगाना गलत नहीं है, लेकिन जो उस दिन पर बेहतर खेलेगा वही टीम जीत हासिल करने में कामयाब रहेगी और हम मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपनी पूरी जान झोंक देंगे और भारत एक अच्छी टीम है लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप में उनका सफर रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान भारत और न्यूजीलैंड में से कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।